जय माता दी बंधु, कैसे हैं आप लोग। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें और तरक्की करें। बंधु, आज का हमारा ये वीडियो है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको मिथुन राशि के मई 2021 के मासिक राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कॉमेंट बॉक्स में जाएँ और जय माता दी ज़रूर लिखें। ये महा आपके परिवार के सदस्यों में आपसी मेल झोल बढ़ाने वाला होगा। सभी सदस्यों के बीच आपसी विश्वास पहले की अपेक्षा में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपको अपने भाई व बहनों की ओर से मुख्यतः सहयोग मिलेगा, जो आपकी तरक्की में सहायक बनेगा। परिवार के सदस्यों का झुकाव अध्यात्म की ओर ज़्यादा होगा व घर में कोई धार्मिक आयोजन होने की भी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। घर पर रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा रहेगा, जिस कारण व्यस्तता बनी रहेगी। इस दौरान अपने स्वभाव में नरमी बनाए रखें। पिछले महीने व्यापारियों को जो कुछ भी नुकसान हुआ है वह इस मई के माह में बहुत कम रह जाएगा। यह माह व्यापार की दृष्टि से उत्तम रहेगा व आपको नए नए विचार भी आएंगे। इन्हीं के आधार पर आप अपना कुछ नया काम शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं। भविष्य की दृष्टि से ये कार्य आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये माह थोड़ा अपाधापी से भरा होगा, जिससे उन्हें अत्यधिक काम करना होगा। ऐसे में परिवार के लिए समय बहुत कम निकाल पाएंगे। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को इस माह थोड़ा आराम अवश्य मिलेगा, लेकिन उन्हें अपने ऑफिस की राजनीति से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा ये उनके लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकता है। शिक्षा की दृष्टि से यह माह आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा व सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपनी शिक्षा को लेकर तनाव का शिकार भी हो सकते हैं, जिससे मन में उदासी छाई रहेगी। ऐसे समय में अध्यापक आपका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह नए अवसर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उम्मीद बनाए रखें। इस समय की गई मेहनत भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगी। विवाहित लोगों के लिए ये माह उत्तम सिद्ध होगा, खासकर गृहिणियों के लिए। उन्हें इस माह अपने पति से कोई उपहार या नई चीज़ मिल सकती है, जिससे दोनों के बीच प्रेम और बढ़ेगा। यदि आप अपने पति या पत्नी से दूर हैं तो वह समस्या भी इस माह सुलझ जाएगी। जो लोग अविवाहित हैं व जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें इस माह विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। सिंगल लोगों की सोशल मीडिया पर किसी के साथ सकारात्मक बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन वह किसी कारणवश बंद भी हो जाएगी। ऐसे में पहले से ही सतर्कता बरतें तो अच्छा रहेगा। ये माह स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ संकेत नहीं दे रहा है तथा आपके बीमार पड़ने की संभावना है। यदि आपको पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर के संपर्क में रहें, अन्यथा ये अचानक से बढ़ भी सकती है। घर के किसी काम से बाहर जाना हो तो पूरी तरह सावधानी बरतें। हालांकि मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नित नए विचारों का मन में समावेश होगा और आप स्वयं में एक नई ऊर्जा को पाएंगे। यदि इस महीने आपका कहीं किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन रहा है तो ध्यान रहे कि आप वाहन ना चलाएं, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। हाँ, यदि कोई और वाहन चला रहा है तो आप सुरक्षित होंगे। मिथुन राशि फल 2021 के मुताबिक मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापार करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। यह इसलिए क्योंकि व्यापार के घर में मंगल का बैठना और मंगल का चंद्रमा को देखना एक लक्ष्मी नारायण योग बना देता है, जो आपके व्यापार में चार चांद लगा देगा।
आपके नुकसान इस माह में पूरे हो जाएंगे। आपको धन लाभ होगा। इसके साथ ही आप इस समय अपनी नई योजनाओं पर काम कर पाएंगे। जो जातक साझेदारी करने पर विचार कर रहे हैं, वे इस समय इसके लिए जा सकते हैं, परंतु आपको इस संबंध में अपने सलाहकार से चर्चा जरूर करनी होगी। इस माह में विदेश संबंधी योग भी बनेंगे। विदेश जाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, ये काम कर पाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा जाएगा। आपको भारी लाभ हो सकता है। जो जातक इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, वे इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा नरम गरम रहेगा। भाग्येश का कर्म के स्वामी के साथ उच्च का त्रिकोण में होकर के बैठना भाग्य को नई ऊंचाई तक ले जाने वाला योग बना देता है। यह महीना बिजनेस वर्ग वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा व कार्य क्षेत्र वालों के लिए भी बहुत अच्छा ही जाने वाला रहेगा। जो जातक साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो उन्हें जॉब मिलने की अधिक संभावना है। जो दे चुके हैं, उन्हें अपने हित में परिणाम मिल सकते हैं। मिथुन मासिक राशिफल 2021 की मानी जाए तो मई का महीना भी मिथुन राशि वालों के लिए एक नित नई ऊंचाइयां छूने वाला होगा। व्यापारियों का व्यापार आसमान छुएगा। नौकरी पेशा जातकों को भी कार्य क्षेत्र में अच्छा विस्तार प्राप्त होगा। वर्किंग सेक्टर में काम करने वालों को भी नई सौगातें मिलेंगी। ग्रोथ इंक्रीमेंट प्रमोशन संबंधी योग भी बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि का 12वें घर में चंद्रमा के साथ बैठना और उसकी दृष्टि रोग के घर पर पड़ना आपको सेहत से जुड़ी समस्याओं में उलझा सकता है। आपको कफ, जुखाम, खांसी या गले संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें। मिथुन राशिफल 2021 के अनुसार मिथुन राशि वाले जातकों को इस वर्ष अपने करियर में बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जहां 6 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के भाग्य का साथ मिलेगा, तो वहीं 15 सितंबर से 20 नवंबर तक उन्हें पुनः दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फिर 20 नवंबर से समय अनुकूल बना रहेगा। आर्थिक जीवन को देखें तो ये साल थोड़ा प्रतिकूल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको धन हानि होने की संभावना अधिक रहेगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़ सकता है। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021 बहुत सारी नई उम्मीदों को लेकर आ रहा है। तो बंधुओं, ये था वीडियो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। कॉमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।